हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम में। NDCDS FCAT के और IB से रिलेटेड कुछ टीचिंग पॉइंट्स को लेकर के मैं हूं सुनील सर आपके सामने, और आपको करवाने की कोशिश करूंगा मैं आपके मन पसंदीदा टॉपिक वन वर्ड का आखिरी हिस्सा, जिसके बाद हम चलेंगे सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक, जिसका नाम है PQRS, जिसे हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट या जम्बल्ड पैराग्राफ की शक्ल में देखते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए। हर चीज़ यदि हम समझाते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा, बताइए आप। अक्सर स्टूडेंट से हम लोगों को इस चीज़ की शिकायत होती है कि वो ये कह देते हैं कि सर ये इसमें आएगा क्या या उसमें आएगा क्या उस एग्ज़ाम में, ऐसा ना करें प्लीज़। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। वन वर्ड अगर आप ये कहते हो जैसे कि NDA में नहीं आएगा, तो अब सवाल ये है ना कि अभी FCAT में असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम से रिलेटेड जैसे कोई क्वेश्चन होगा, या IB के अंदर सेक्शनल ऑफिसर या सेक्शनल असिस्टेंट सिक्योरिटी असिस्टेंट के कोई पेपर होते हैं वो, या CD का पैटर्न जो होता है उसमें, उस हिसाब से अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम पूरी ग्रामर को लगातार पढ़ाएं। और अगर आप इसमें देख रहे हैं तो आप क्या गुनाह कर रहे हैं। अगर आप उसमें एक वर्ड मिल रहा है तो उसमें ग्रामर मिल रही है, तो हो सकता है वो आपके एंटोनिम सिनोनिम में काम में आ जाए। बात तो इतनी सी है जिसको मैं साबित कर दूंगा पढ़ा करके आपको, तो प्लीज़ तसल्ली से थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि कम्बाइंड सिलेबस में क्या होता है फिर दिक्कत हो जाती है ना, तो चीज़ों को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। आइए, आपको पहले भी बताया मैंने यूज़ कोड 10, मेरा ये कोड जो है, अगर आप चाहें और अगर लगे आपको कि भाई हमें इसको यूज़ करना है, तो आप ये मेरा आपको दिया हुआ है NIL 10, इसको आप बड़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए बिना स्पेस के NIL 10 दे देंगे, और कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जो ऊपर लिखा हुआ है, आप उसको बड़ी आसानी से परचेस कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज विद आंसर है, जिसमें मैं आपको आंसर करवा रहा हूँ वाईफाई स्टडी के प्लेटफॉर्म डिफेंस चैनल पे, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स पे सुनील सर के साथ। एक और खुशखबरी दे दो, बुधवार को रात को 8 बजे एक्सक्लूसिव CDS का, क्या बोला मैंने, एक्सक्लूसिवली CDS का जो है एक अलग से बैच शुरू हो रहा है। उसमें आधे आधे घंटे की मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की क्लासेज आएंगी बुधवार रात 8 बजे इसी चैनल पर। सो बी रेडी, क्योंकि दिन में स्लॉट खाली नहीं है, और वो उस पर बहुत ही उम्दा किस्म की, बेहतरीन किस्म की पढ़ाई होगी, और स्टैंडर्ड जो होगा और लेवल ऑफ एजुकेशन जो होगा वो उसमें थोड़ा सा हाई होगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। तो आप लोग जो इसमें से जुड़े हुए, आप लोगों को इसमें बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल, इसके बारे में हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, किसकी, ओल्ड पीपल की, वृद्धों की, तो हम जब कहते हैं कि वृद्धों की स्थिति की या वृद्धों की अवस्था में या वृद्धों की बीमारी, तो आपको याद है हमने पिछला एक वन वर्ड किया था, याद है, और मैंने आपसे कहा था कि इसको आप थोड़ा सा सही पढ़ना, है ना। जेरेंटोलॉजिस्ट आपसे पढ़ा था, मैंने कहा था इसको गेरेंटोलॉजिस्ट मत पढ़ना, जेरेंटोलॉजिस्ट पढ़ना, और जेरेंटोलॉजिस्ट से ही, अब वो पिछली बार तो हमने जेरेंटोलॉजिस्ट पढ़ा, लेकिन अब देखिए अब आपका वर्ड चेंज हो के आ गया है, तो जिस वर्ड के भी लास्ट में ट्रिक्स लगता है ना, ट्रिक्स, है ना, चाहे वो साइकेट्रिक्स हो, है साइकेट्रिस्ट्री हो, या आपके बेरियाट्रिक्स हो, है ना, या आपके दूसरी जो से ऑबेस्टेटिक्स हो, वो सारी की सारी स्टडी होती है। और ये जो है, ये जो वर्ड है, बेसिक वर्ड आपका जो है, दैट इज रिलेटेड टू ओल्ड एज काइंड ऑफ पीपल। तो सही जवाब क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, एम आई राइट। हार्ड टू अंडरस्टैंड, कोई चीज बहुत डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड करने में, इसका मतलब है एब्स्ट्रूस। ये क्या होती है, डिफिकल्ट टू, वेरी डिफिकल्ट, हार्ड है ना, इसी को लिख रहा हूं, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड के मतलब ये, आप बोलोगे सर आपने ये क्यों लिखा, देखिए सुनील सर के साथ आपको केवल रटी रटाई लिखी लिखाई चीजों को बक करके चला जाए, वीडियो ऑफ हो जाए, आप सो जाओ, चैनल से बाहर आ जाओ, ऐसा नहीं करूंगा। हार्ड का डिफिकल्ट बना दिया, टू अंडरस्टैंड का एक नया वर्ड बनाया टू कॉम्प्रीहेंड। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि कॉम्प्रीहेंड का मतलब भी क्या होता है, कॉम्प्रीहेंड का मतलब भी होता है अंडरस्टैंड। तो हार्ड टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड वर्ड जो है वो एब्स्ट्रूस कहलाते हैं, वो सारे के सारे वर्ड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका,
डी फॉर दमन, एम आई राइट। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात, एनडीए सीडीएस क्लियर अगर आपको करना है, आईबी में ऑफिसर बनना है, एफकेट के थ्रू जाना है, सीपीओ में जाना है आपको, तो आपको सिर्फ इतनी सी चीज बता रहा हूँ, एफकेट हो और चाहे सीएपीएफ हो, ठीक है, आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखें आप प्लीज। और यहाँ देखिए कि टीचर ने एक का दो बताने की कोशिश की है, वो क्यों कह रही है, ए नॉइजी एंड बॉम्बास्टिक स्पीच डिलीवर्ड टू अ लार्ज असेंबली। दोस्तों क्या होता है, जब आप हैरंग करते हो चीजों को, जब आप चीजों को थोड़ा सा हैरंग करते हो, तो इसका मतलब है आप बदतमीजी भरा, गुस्से भरा, बगावत भरा, विद्रोह भरा भाषण दे रहे हो किसी पब्लिक प्लेस में, और इसका सही जवाब होगा सी, राइट। कैकोफोनी जो है वो बदसूरत आवाज से जुड़ा है, रेटोरिक वो जो चीजें आप बार बार बोलते हो वो से जुड़ा है, ओरेशन जो वो अच्छी किसी कला से जुड़ा हुआ है, वाद विवाद प्रतियोगिता में बोलने की संभाषण कला से, दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस, आर्केक नहीं होगा क्योंकि आउट ऑफ टाइम होता है, ये बैलेंस में नहीं होता है, एनाक्रोनिस्टिक तो पर्सन होता है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑब्सोलीट, ये टाइम्स, ये ऑब्सोलीट जो है वो प्लेस से जुड़ा हुआ है, प्लेस से, इससे हिंदी में हम कहते हैं प्रचलन से बाहर, कोई चीज प्रचलन से बाहर हो जाती है दोस्तों वो क्या हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है। आप इसे मान लें कि आज ही आपका एग्जाम है, जिस जिसके आंसर सही लग रहे हैं वो तो ये मान लो कि बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, और जिनके आंसर नहीं लग रहे हैं वो उन चीज़ों को पाने की प्लीज कोशिश करें, दैट नेवर फेल्स, वो जो कभी असफल नहीं होता, इसको दूसरे शब्दों में हम फेल का मतलब फेल पास नहीं, चूकना, वो जो कभी नहीं चूक सकता, जो कभी नहीं चूक सकता उसे हिंदी में कहते हैं हम अचूक, अचूक, और अचूक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इनफेलिबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। आइए, द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग, एंशियंट माने प्राचीन और राइटिंग माने लेख, जो प्राचीन लेख होते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, उत्तर पैलियोग्राफिक, उत्तर क्या हो गया पैलियोग्राफिक। पैलियोग्राफिक क्यों होती है जरा ध्यान से सुनेंगे, जब भी आपके ग्राफ या ग्राफिक आएगी ना, ग्राफ या ग्राफिक में एक चीज बहुत कम कॉमन होगी कि राइटिंग, राइट, ग्राफर राइटिंग का से जुड़ा हुआ बंदा होता है, पैलियो जो है वो प्राचीनतम चीजों का प्रतीक होता है, पाषाण काल की जो चीजें होती है वो पैलियो से जुड़ी होती है, और ग्राफिक माने राइटिंग, कैलीग्राफी जो है नीचे देख रहे हैं आप, ये ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग से जुड़ी हुई है, किससे, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग से। और आर्कियोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ओल्ड, जो अपने है ना आर्काइक सब्सटेंसेस की, और एनल्स जो है वो हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी से जुड़ा हुआ वर्ड है। डॉगमेटिक पर्सन माने दूसरों के धर्म के प्रति जो बहुत कट्टर होता हो, जिसकी आस्थाएं बड़ी आसानी से झुकाई न जा सकती हो, जो अपने विचारों और अपने ही सिद्धांतों पर अड़ा रहता हो, वो जेलोट होता है दोस्तों, सही जवाब है सी। डॉगमेटिक पर्सन मीन्स ऐसा पर्सन जिसके प्रिंसिपल बहुत हार्ड होते हैं और उसे उसके प्रिंसिपल से कोई नहीं हटा सकता। समाज में आपको पता है आजकल यूट्यूब फेसबुक पे क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे, इन पे क्या हो रहा है, ट्विटर पे, अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, किसी एक पार्टी के समर्थक, किसी एक नेता के समर्थक दूसरे नेता के समर्थक को गलत नामों और गंदे नामों से पुकारते हैं। उन्हें लगता है किसी ने मूर्ति बना दी, 3,000 करोड़ की अस्पताल नहीं बनाया, तो दूसरों को लगता है उन्होंने अस्पताल बना दिया लेकिन पैसा खा गए, ये खा गए, भ्रष्टाचार है ये वो। अब ये लोग क्या है कि बाप मान लो अगर किसी एक दल का समर्थन कर रहा है ना, तो उसकी औलाद जो है, औलाद बाप के खिलाफ है, वो बाप से नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती है, क्योंकि उनके पास बिहेवियर जो है वो बहुत ही उनका डॉगमेटिक है, अर्थात वो जिलट है, और जिलट अपनी सिद्धांतों से, अपने प्रिंसिपल से कभी बाहर नहीं आ पाता। एन ऑड टिपिकल और एक्सेंट्रिक ट्रेट, राइट, सनक, इडियोसिंक्रेसी, राइट, टिपिकल कोई एक्सेंट, आपके एक्सेंट्रिक ट्रेट होती है ना, किसी किसी में एक बड़ी अजीब सी सनक और धुन सवार होती है ना, ये लोग बड़े धुन के पक्के होते हैं, एक चीज में लग जाते हैं तो उसी में लग जाते हैं, तो उनको इडियोसिंक्रेसी कहते हैं उसके नाम को। हैरेंग अभी बता के गया हूं मैं आपको, राइट, ये जोर जोर से क्रोधित आवाज में पब्लिक के बीच में भाषण देना, हाइपरबोल, किसी के बारे में बड़ा चढ़ा करके बोलना,
एलजी किसी की मौत पर शोक में गम में डूबा हुआ कोई गीत लिखते या गाते हो उसको आप क्या कहते हो? एलजी कहते हो, इससे पहले कि तेरी याद आए मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। ये भी क्या है, एलजी एक तरह से, लेकिन इसमें किसी की मौत नहीं है। मौत के बाद में अगर गाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा जाए, तो वो एलजी हो जाएगी। ए सैड सॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ समबडी, ए क्लस्टर ऑफ हाउस इन विलेजेस। दोस्तों कुछ गांव में क्या होता है, कुछ गांव में मकानों का एक सिलसिला होता है और एक तरह के मकानों का पूरा समूह पाया जाता है, झुंड टाइप का। इसे कुछ इलाकों में ढाणी कहते हैं, हरियाणा राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कहते हैं ढाणी, गांव ढाणी जो होती है ना, ढाणी छोटा गांव जिसे होता है, जो छोटा गांव होता है जहां कम घर होते हैं उसे इंग्लिश में हम हैमलेट कहते हैं। नीचे ऑप्शन डी में कॉन्स्टिट्यूशन सितारों से जुड़ा हुआ है, मॉन्यूमेंट जो शहीदों के स्मारकों से या किसी उससे जुड़ा हुआ, ऊपर फ्लीट जो है वो जहाजी बेड़ा है। आइए, द टाइम व्हेन टू पीपल हैव अ रोमांटिक रिलेशनशिप बिफोर दे गेट मैरिड। सिंपल सी बात है, समझिए, एक ही बी से सगाई हो गई, एक ही बी से सगाई हुई कब, सुन लेना आप, 10 मार्च 2020 को, 10 मार्च 2020 को एक से बी की क्या हुई है, एंगेजमेंट हो गई है। एम आई राइट, एंगेजमेंट है ना, एक ही बी से। अब ऐसे में क्या हुआ है, इनकी शादी है जून की 26 तारीख को, जून की 26 तारीख को 2020 को इनकी क्या है, इनकी तुनक तुनक तुम तुनक तुनक तुम तुनक तुनक तुम तन तना, तो ये 26 को गठबंधन में बन जाएंगे। दोस्तों अब क्या हो रहा है, 10 मार्च से 26 जून के बीच का ये लगभग जो है 3 महीने 11 दिन का, यानी कि ये लगभग 101 दिन का ये जो गैप आ रहा है ना, ये इनकी क्या कहलाएगी, कोर्टशिप कहलाएगी, यानी कि रिश्ता हुआ हुआ है, सगाई हो गई है और शादी हुई नहीं है। एम आई राइट, द टाइम एंड टू पीपल हैव अ रोमांटिक रिलेशनशिप बिफोर दे गेट मैरिड, उसे हम कोर्टशिप कहते हैं। एम आई राइट, इसमें आप समझने की कोशिश करना, आपको किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या पढ़ाया, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ एक जानता हूं चीज, 2 रुपए 70 पैसे की किताब से 1974-73 में मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था, राइट, 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। कोर्टशिप का मतलब याराना भी होता है, याराना, याराना में है ना, याराना जरूरी नहीं है सगाई हुई हुई हो, याराना भी हो सकता है और नैन लड़ गए किसी के किसी से, तो नैन लड़ गए तो ये वो पीरियड भी है इश्क मोहब्बत का, लेकिन कोर्टशिप एक्चुअली जो है शादी से पहले का वो संबंध है जिसमें अमूमन सगाई सामाजिक मान्यता या स्वीकृति मिल जाती है, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ बिफोर दे गेट मैरिड, अगर मैरिड होने का इनका प्रावधान फिक्स हो रखा है इसका मतलब वो रिलेशनशिप सगाई के बाद ही बना होगा, क्योंकि मैरिड बाकी है, मैरिज बाकी है तो सगाई तो हो गई होगी, तो जवाब हो गया आपका कोर्टशिप, है ना। मैटर रिटन बाय हैंड, आपको पता है आदिकाल में क्या होता था, कुछ चीजें लिखे जाती थी वो हाथ से और उनको हाथ से लिख करके भोजपत्र ताम्रपत्र पे सुरक्षित रखते थे, उन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते थे, उन्हें हम इंग्लिश में कहते थे हस्तपत्र, है ना, हस्तपत्र, और वो मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है, हर वो चीज लिखावट की जिसे हाथ से लिखकर साथ संभाल कर रखा जाता है उसे इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। वन हु प्रमोट्स द आइडियाज ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी काइंड व्हेन एवरी मैन शुड बी अ लॉ अनटू हिमसेल्फ, ऐसे लोग जो किसी सरकार का न होना, न होने की वजह, यानी कि सरकारहीनता, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे लोग जो सरकारहीनता के पक्षधर हैं, पक्षधर क्योंकि प्रमोट कर रहे हैं तो वो उसका पक्ष ले रहे हैं, तो सरकारहीनता के पक्षधर क्या कहलाते हैं, सरकारहीनता मतलब सरकार मतलब राज है ना, और सरकार नहीं है इसका मतलब अराज, और सरकार नहीं है वाली पद्धति अराजकता, और समर्थन करने वाला क्या हो गया, अराजकतावादी, इसका मतलब है एनार्किस्ट, एक वर्ड है एनार्किस्ट, जिसको किसी भी सरकार पर भरोसा नहीं और उसको सरकार के होने पर यकीन भी नहीं है। बता दूं आपको, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए जो नवंबर में एग्जाम होगा, जिसकी अगस्त के अंदर आपके नोटिफिकेशन आएगी, तो सीडीएस 2 के लिए शाम 8 बजे इसी चैनल पर वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स पे मैथ्स इंग्लिश और जीके का स्पेशल कोर्स लॉन्च होने वाला है, थोड़ा अपर लेवल का कोर्स होगा, हाई लेवल का कोर्स होगा,
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और 8 बजे के इस कोर्स को पूरी तरह से अपने अंदर आत्मसात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन, बुधवार से होगा वो लॉन्च, ठीक है ना, वेनसडे से, अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स ही इज सिक, एक व्यक्ति जो ये बार बार सोचता है कि मैं बीमार हूं बीमार हूं, वो क्या कहलाता है, ए, ए यहां आर्टिकल है इस पीछे वाले वर्ड का, उसे क्या कहलाता है, इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रिया, क्या बोला मैंने, हाइपोकॉन्ड्रिया, वर्ड की ओर ध्यान देंगे, इज कॉल्ड हाइपो कॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया कौन है, कॉन्ड्रिया जुड़ा हुआ है बीमारी से, और हाइपो जुड़ा हुआ है किसी उच्च सोच से या बार बार होने वाली चीजें, कि मैं कॉन्स्टेंटली सोचता कि बीमार हूं, तो ऐसा बंदा हाइपोकॉन्ड्रिया कहलाता है, है ना। मिसोगाइनिस तो आपको पता ही है, जो बहुत सी स्त्रियों से संबंध रखता हो, राइट, बहुत सी शादियों में यकीन करता हो, या बहुत सी औरतों से संबंध रखता हो, एम आई राइट, मैं औरतों से नफरत करने वाला, एग्जैक्टली, गाइनिस्ट आ क्या है वो, मिसो का मतलब नफरत है और गाइनिस्ट मतलब औरत है, तो जिन्हें औरतों से नफरत हो, और मिजांथ्रोप जो है जो पूरी मानवता जाति में है ना मानव से ही नफरत करता हो, और हाइपर पिट्यूटरी क्या है, राइट, जिसको लगता है कि उसके शरीर में पिट्यूटरी की मात्रा बहुत ज्यादा है, हाइपर पिट्यूटरी, ये बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है ना। ऊपर आपको एक वर्ड और दिखा देता हूं, मिसोगैमिस्ट दोस्तों, गैमी में शादी है और गायनी में औरत है, तो औरतों से नफरत करता है और ये शादी विवाह से नफरत करता है, बाकी से स्त्रियां खूब पसंद होती है, ठीक है ना। रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, कोई चीज अगर कानून के संगत है तो वो वैधानिक है, लेजिटिमेट वैधानिक, कानून संगत, एम आई राइट, कानून संगत, ठीक है ना, तो लेजिटिमेट हो गई, अकॉर्डिंग टू लॉ, यहां ऊपर देखेंगे आप, कोई चीज अकॉर्डिंग टू लॉ चल रही है इजिकल टू वो क्या है, लेजिटिमेट है, एम आई राइट, और कोई चीज अगर कानून के खिलाफ है तो वो इलेजिटिमेट, उसमें आई डबल एल जो है ये जुड़ जाएगा, एक एल इसका लेंगे तो आप सिंगल एल से इसको इलेजिटिमेट बना सकते हैं, यानी कि कानून के विपरीत। सही जवाब क्या हो गया दोस्तों, सही जवाब हो गया आपका बी फॉर बनारस, ठीक है। अ स्टेटमेंट दैट कैन हैव अ डबल मीनिंग, वो स्टेटमेंट जिसका डबल मीनिंग होता है, वर्बोस तो किसी चीज के ज्यादा प्रयोग कर लेना, एम्बिवेलेंट जो है, अगेन वही चीज आ गई, एम्बिवेलेंट एग्जांपल में जुड़ा हुआ है, एपिग्राफ तो अपने लिटरेचर का वर्ड है, और एम्बिगुअस का मतलब है डबल मीनिंग, ठीक है ना। एम्बिवेलेंट में एक वर्ड, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का आगे चल के अपोजिट हो जाता है, इस चीज का याद रखेंगे आप, तो डबल मीनिंग हो गया, तो जवाब क्या हो गया आपका, डी फॉर अगेन दादरा और नगर हवेली का डी आता है ना, दादरा दमन। Anything written in a letter after it is signed, दोस्तों कई लोग पत्र लिख देते हैं, भूल जाते हैं, बाद में उसमें नीचे एक ऐसे करके, एक ऐसे साइन मार करके लिखते हैं, और फिर लिखते हैं कि प्लीज, है ना, सेंड अवर चेक, और ये आवर से नीचे एक्स्ट्रा, जबकि सिग्नेचर वो ऊपर ही कर चुके होते हैं, ऐसे ये सिग्नेचर ऊपर करते हैं, फिर नीचे ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, तो बाद में ऐड किया गया लेटर का हिस्सा क्या कहलाता है, पोस्ट स्क्रिप्ट कहलाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PSB कहते हैं। SSC CGL मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं टीयर 2 की, उनको थोड़ा सा बता दूं, डिस्क्रिप्टिव पेपर में इस तरह के क्वेश्चन में चीजें बहुत आती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। SSC CGL मेंस पढ़ाता हूं मैं, टीयर 3 भी पढ़ाता हूं, डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाता हूं, लेटर राइटिंग और ऐसे भी, और लगभग 500 सिलेक्शन पिछले 2 साल में CGL में दे रखे हैं मैंने, CHSL में, SSC में, काफी पुरानी टीचिंग का एक वो है ना, 800,000 क्वेश्चन बोर्ड में जब मैं लोगों को करवा चुका हूँ, 180,000 का स्टॉक पड़ा है, मैं रिपीटेडली बच्चों को बताता हूँ, आप लोग पढ़ें बस, बाकी हम पे छोड़ दें आप, यू जस्ट स्टडी एंड स्टडी, नथिंग एल्स, रेस्ट असाइड, लीव अपॉन अस, वट एवर वी विल डू द बेस्ट फॉर यू। चैट में कमेंट कीजिए अगर बात अच्छी लगी तो, थैंक यू, आगे चलेंगे। विच इज बाउंड टू बी डन, जो होकर रहेगा, जिसे टाल नहीं सकते, एम आई राइट, तो जो होकर रहेगा बाउंड टू बी डन है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उत्तर, उसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिस्पेंसिबल। अब आप बोलोगे कैसे, तो मेरे मुंह से एक शब्द निकलेगा हिंदी में, अपरिहार्य, जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, उसको इंग्लिश में
इंडिस्पेंसिबल कहते हैं। दोस्तों एक और वर्ड लिखा देता हूं अगर किसी को अगर ज्यादा जरूरत हो पढ़ने की कि भाई सुनील सर थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता दिया करो, इनएविटेबल। इनएविटेबल मींस भी होकर रहेगा, जो होगा वो होकर रहेगा, उसे आप नहीं पटाल सकते। ऊपर देखो बाउंड माने हर हाल में, हर हाल, और डन माने होगा, तो जो हर हाल में होगा वो क्या होगा, अपरिहार्य होगा। तो जवाब क्या आया दोस्तों, फटाफट बताइए उत्तर। जवाब आ गया आपका इसमें बी फॉर बरेली। मनी पेड टू ए मैन फॉर हिज लेबर, एक व्यक्ति द्वारा के एक व्यक्ति को उसके श्रम के बदले किया गया भुगतान। उत्तर पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक, एम आई राइट? ये रेम्यूनरेशन जो है किसी के बदले की गई, और एक्स्ट्रा मनी पेड हो जाए दोस्तों, एक्स्ट्रा मनी, तो वो या तो बोनस हो जाएगा, बोनस, और या हो जाएगा इंसेंटिव। क्या बोला मैंने? इंसेंटिव। इंग्लिश सीखे सुनील सर के साथ डिफेंस के एग्जाम के लिए, वर्दी के एग्जाम का तो मास्टर हूं मैं, 17-18 से ज्यादा वर्दियां पहना चुका हूं मैं, यकीन मानिए मेरे, है ना। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में एफकेट के थ्रू जो पास, सीपीओ के थ्रू पहले जो भर्ती होती थी, यूपीएससी करवाती है आजकल उसका एग्जामिनेशन, असिस्टेंट कमांडेंट। भारत की कोई ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स नहीं, ऐसी कोई अर्धसैनिक बल नहीं जिसमें हमारे असिस्टेंट कमांडेंट न गए हों। आगे चलेंगे, फिक्स टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज, है ना, किसी का निर्दिष्ट इलाका, कार्य क्षेत्र में क्या होता है, कार्य क्षेत्र के, है ना, अधीन होते हैं आप, उससे बाहर नहीं जा सकते। तो किसी भी मजिस्ट्रेट का अपना एक कार्य क्षेत्र होता है, एम आई राइट? किसी कलेक्टर का अपना कार्य क्षेत्र होता है, किसी एसपी का या सब इंस्पेक्टर का या एसएचओ का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, एम आई राइट? हाँ, तो वो उसका कार्य क्षेत्र होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। मुंगेर, मुंगेर कहाँ है? बिहार में है। तो मुंगेर में कोई डबल मर्डर के हत्या का आरोपी अगर है और उसने कहा कि मैंने गुनाह नहीं किया, तो वो अपील दायर करेगा। क्या करेगा? अपील दायर करेगा। कहाँ वो अपील दायर करेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कहाँ? इलाहाबाद या जबलपुर हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में। तो ये उसकी अपील दायर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट या जबलपुर हाई कोर्ट जो है, मुंगेर उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, मुंगेर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मुंगेर का हाई कोर्ट लगता है दोस्तों पटना हाई कोर्ट। तो ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए। आज मैंने सिखा दिया आपको एग्जांपल में कि अधिकार क्षेत्र किसे कहते हैं। सही जवाब है बी से बॉम्बे। आइए, वन हु हैज एन ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, वो व्यक्ति जिसकी सोच जो है क्या होती है, बहुत ही संकीर्ण होती है, धार्मिक सोच, एम आई राइट? वो व्यक्ति जो बहुत संकुचित नहीं कहता, चलो मैं कहता हूं संकीर्ण धार्मिकता वाला व्यक्ति, संकीर्ण धार्मिकता, एम आई राइट? इसे हम दूसरी भाषा में मजहबी कट्टरवाद भी कहते हैं, मजहबी कट्टरवाद, हर बात पे कट्टरवाद, है ना, हर बात पे कट्टरवाद। हिंदुस्तान की मुल्क की तासीर के लिए ये चीज अच्छी बात नहीं है, मैं इसे सख्त एतराज करता हूं। लेकिन शब्द पढ़ाता हूं तो बताना पड़ेगा, फैनेटिक, जिसका अर्थ है कट्टर सोच वाला, एम आई राइट? बात बात में जय श्री राम, जय श्री राम, बिना बात के जय श्री राम, या अल्लाह अकबर, या वाहे गुरु द खालसा। किस बात पे? कचौरी वाले से मारपीट होए, किसी पानी पुली वाले से लड़ लिए, बस में किसी कंडक्टर से कहा सुनी हो गई, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, या वाहे गुरु, ये जो मैं कह रहा हूं, अपने इबादत की जो चीजें होती हैं, जो लोग होते हैं, जो देवी देवता या खुदा होते हैं, उनको अलग रखें दोस्तों। सामान्य आम छोटी छोटी बातों पर उनका लाना कट्टरवाद कहलाता है, और मैं उम्मीद करता हूं आप फैनेटिक नहीं होंगे। एक बिगट शब्द इससे मिलता जुलता, इसलिए पढ़ा देता हूं, ठीक है? थियोलॉजियन तो वह धर्म शास्त्र से जुड़ा हुआ वर्ड है, ईगोटिस्ट अहंकार से जुड़ा हुआ वर्ड है। एक बिगट होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें धर्म नहीं होता है, इसमें क्या है, धर्म नहीं होता, ये व्यक्ति से व्यक्ति के प्रति होता है,
व्यक्ति के प्रति या जाति के प्रति, किसी व्यक्ति या जाति के प्रति आप कट्टर होते हो, लेकिन ऊपर हमारे साथ दिया हुआ है, देखो ऐसे ही तो मौत होती है ना, लोग पढ़ नहीं पाते, ऊपर साथ दिया हुआ है रिलीजियस, तो रिलीजियस की वजह से हम इसमें बिगट नहीं लेंगे, हमको जवाब लेना पड़ेगा इसका फेनेटिक, जिसका सही जवाब है ए। वैसे इसका बिगट उत्तर हो सकता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन ऊपर रिलीजियन दिया हुआ है, ठीक है। अगर ऊपर कास्ट या कम्युनिटी होता, कास्ट या कम्युनिटी, तो हमारा सही जवाब होता बिगट। द प्रैक्टिस ऑफ प्रिटेंडिंग टू हैव फीलिंग्स दैट वन डज नॉट रियली हैव, अच्छा वो दिखाने की कोशिश करना जो कि व्यक्ति है ही नहीं असल में, तो जो आप नहीं हो वो आप दिखाने की कोशिश करें, इसका मतलब आप हो पाखंडी, आडंबरी, पाखंडी या आडंबरी, आडंबर है, चोला पहन लिया और चोला पहन करके साधु का और पराई स्त्री की ओर देखना फितरत हो गई, हिपोक्रेसी तो है ये, ठीक है कि नहीं। जो आप नहीं हो वो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जो भावना आपके मन में नहीं है वो आप भावना दिखाने की कोशिश, इसका मतलब आप में क्या है, हिपोक्रेसी है, am I right? चलिए सही जवाब क्या है, सी। हिपोक्रेसी का छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाओगे हिपोक्रेसी क्या होती है, कि फीलिंग्स नहीं है लेकिन फिर भी है, वो आप बताते हो, जैसे राइट जैसे कि किसी लड़की को देखने के लिए आए है ना, उसके रिश्तेदार या जानकार कोई बोले लड़की को बुलाओ, बोले वो तो पूजा कर रही है, अच्छा ठीक है आ जाती है अभी, और वो लड़की ओम जय जय जगन्नाथ जय जय ओम जय भगवान जय भगवान जगन्नाथ, और फिर रख करके नमस्ते नमस्ते नमस्ते, पता चला किसने जिंदगी में पहली बार आरती की थाली उठाई है और घंटी उठाई है, दिखा वो रही है जो वो नहीं है, तो ये उस बंदी की क्या है, ऐसा होता नहीं है, मैं तो आपको पढ़ाने के संदर्भ में बोल रहा हूँ, हिपोक्रेसी है। टू रन अवे विद अ लवर, अपने प्रेमी या दोस्त या यार के साथ, यार इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है, रन अवे, अगर भाग गई है, अगर वो भागी है तो पति तो है नहीं, फिर वो उसका क्या है, यार है उर्दू में, और प्रेमी है उसका बोलो हिंदी में, और आजकल की फेसबुक की भाषा में वो उसका शोना बाबू या जानू है, या तो उसका शोना है या बाबू और एक और है जानू, तो अपने सोना बाबू जानू या अपने यार या प्रेमी के साथ, अपने लवर के साथ भाग जाने की क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं एलोप करना, एम आई राइट, ये भाग गई, भागना, और ये कौन सा भागना है, न तो कुत्ते पीछे पड़ते हैं तब भागना है, ना आपको रेस में भागना है, ना ओलंपिक में भागना है, ये माँ बाप के कलंक लगा के भागना है, एम आई राइट, ठीक है। चलिए सही जवाब क्या हो गया, डी फॉर डोंबिवली, मुंबई में दादर। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय पर्सन ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, अब इसमें हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, सवाल ये ऐसे लोगों में जिनमें की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत हाई होती है, तो सीधी सी बात है इंटेलेक्ट, अगर ये ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो इंटेलेक्चुअल को आप मेरिट से जोड़ दीजिए, किससे, मेरिट से, और जैसे ही आप इसको मेरिट से जोड़ेंगे, मेरिट लाने वाले क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो क्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, क्रेसी की हिंदी क्या होती है, गवर्नमेंट, जिसे हम कहते हैं शासन व्यवस्था, और कैसी शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, और कैसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसे बुद्धिमान लोग चलाते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वाले, वो मेरिटोक्रेसी कहलाती है, सही जवाब है सी फॉर चेन्नई। आगे चलेंगे, यंग वन ऑफ अ हॉर्स, किसी घोड़े का शिशु क्या कहलाता है इंग्लिश में, दो तो आपको दिए हुए हैं, नीचे देख लीजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा, यंग वन माने शिशु, किसका, घोड़े का, घोड़े का बच्चा, पिगलेट सुअर का बच्चा होता है, लैम भेड़ का बच्चा होता है, काफ, काफ सभी का बच्चा होता है, हाथी का बच्चा भी काफ होता है, समझ में आ रहा अगर आपको, तो वेल का बच्चा काफ होता है, जिराफ का बच्चा भी काफ होता है, गेंडे का बच्चा भी काफ होता है, और दरियाई घोड़े का बच्चा भी काफ होता है, ठीक है ना, गाय का बच्चा काफ होता है, ऊंट का बच्चा काफ होता है, और अपने क्या नाम उसका, भैंस का बच्चा भी काफ होता है। चलिए काम की बात करते हैं, काफ हाथी के बच्चे को भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये है आपका सही जवाब, कोल्ट, कोल्ट क्या है, घोड़े का बच्चा, घोड़े का बेटा,
बच्चा। अब आप बेटा बोलोगे सर कि आपने बेटा क्यों बोला, वो मैंने इसलिए बोला कि कोर्ट जो है वो पुलिंग है, कोर्ट के कोर्ट क्या है पुलिंग है, इसका स्त्रीलिंग होता है फिली, तो जो घोड़ी होती है वो बच्चा की जगह बच्ची, बच्ची घोड़ी, बच्ची छोटी छोटी घोड़ी, उसको इंग्लिश में कहते हैं अपन फिली, एफ आई एल एल वाई फिली। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, क्या बोला मैंने, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सामाजिक जीवन को नहीं मानता है, असामाजिक घुमंतु किस्म का व्यक्ति, वो बोहेमियन, वो क्या कहलाता है, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं बोहेमियन। बोहेमियन कौन होता है दोस्तों, बोलिए, जो सामाजिक मान्यता के जो नियम होते हैं ना, उन नियम के विपरीत चलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, बोहेमियन, ठीक है। ये लीजिए इसको हटा देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, जो बाद में वीडियो देखेगा वो भी परेशान है ना। अब हमें लेके क्या आना है, इसकी जगह पेन लाना है, राइट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पेन में, ठीक है। ये हो गया आपका सही जवाब बोहेमियन, ठीक है। सही जवाब क्या हो गया आपका, सी, ठीक है, सी फॉर, बोलिए, कोकोनट बोल दीजिए ना। सभी एग्जाम्स के लाइव टेस्ट आपके लाइव टेस्ट पे अपने, शायद सोम मंगल दो दिन तो नहीं दे पाऊंगा, शायद बुधवार को 1 बजे या 12 बजे मेरा टेस्ट है, 1 बजे ले लेना आप, तो ठीक है, बिल्कुल देखना इसको 100%। इसमें तो मैं केवल पढ़ाता कुछ नहीं हूँ, केवल सॉल्व करवाता हूँ, 20 सेकंड आपको देता हूँ। और डिफेंस एग्जाम में आपको पता ही है, शाम 4 बजे क्लास लगती है, सुबह 11 बजे क्लास लगती है, और बुधवार से रात को 8 बजे भी क्लास लगे, 9 बजे इंग्लिश तो लेट आएगी, 8 बजे से वैसे आपके मैथ्स और फिर अपने जीके वगैरह सारी शुरू हो जाएगी, देखते रहिए, है ना। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो आपके भाई बहनों के लिए छोटे 9th to 12th जो है वो लगातार चलते रहेंगे आप अनअकैडमी पे, तो कोशिश करें कि सेशन जो है वो बहुत शानदार जाए और किसी भी तरह का इसमें कोई बच्चों को प्रॉब्लम ना आए, हर तरह के सब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच सुनील सर के साथ, ज्यादा मैं आपको कह दूं कि व्यस्त रहें पर मस्त रहें, ठीक है, मस्त रहें, कोरोना के नियमों का पालन करें, COVID-19 वायरस से अपना पूरा का पूरा बचाव रखें, ठीक है, और घर से बाहर न निकलें, लॉकडाउन की अनुपालना करें, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप भाई बहन सबका जिनके साथ आप जुड़े हैं, पूरा पूरा ध्यान रखें। चैट में मेंशन करें, जब भी मैं आपसे पूछूं कि इसका जवाब बताओ क्या होगा, तो आपको तुरंत उसका जवाब बताते रहना चाहिए। यकीन मानिए सिलसिला अभी शुरू हुआ है ना, अभी तो जस्ट थोड़ी बहुत बयार चली है, इसके बाद देखिए आंधियों का सिलसिला ऐसा शुरू होगा कि हम सारी की सारी आपकी तकलीफ और आपकी जो प्रॉब्लम है इंग्लिश लैंग्वेज की और कमजोरियों से उड़ाकर बहाकर ले जाएंगे। सुनील सर आपसे वादा करते हैं, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आइए अलविदा कहते हैं आज के लिए, दोबारा कल फिर मुलाकात होगी नए सेशन में।